नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी यह समय दोस्तों ईश्वर के आशीर्वाद से मिलने वाले है। यूं कहें जीवन में आपको सच्चा प्यार मिली का। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस महीने के अंदर आपको आपका सच्चा प्यार मिलने वाली है। आपके जीवन में एक ऐसे इंसान दस्तक देने वाले हैं तो आपसी पागलों की तरह प्रेम करते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको यह बताना होंगे, या प्यार दोस्तों इस क्षण का नहीं है, अगले कई जन्मों का आपको यह रिश्ता है। पिछले कई जन्मों से आपका उस इंसान से नाता रहा है, और जब यह इंसान आपके जीवन काल में दस्तक देंगे तो दोस्तों ये जरूरी बहुत है कि आप उन्हें पूरी तरह से पहचान ली। उनके बारे में दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के आप लोगों को संकेत बताएंगे, और शौर्य संकेतों के माध्यम से आप उसे जीवन काल में अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हमारा जीवन अधूरा रहता है जब तक हम सच्चे जीवन साथी, या यूं कहें जीवन काल में सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बिना राधा के अधूरे हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के बिना अधूरे हैं, और भगवान श्री राम सीता मैया के अधूरे हैं। जीवन काल में इसी प्रकार याद रखना होगा कि हम अपने जीवन काल में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों में क्यों न चढ़ जाए, सफलता के कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा लव पार्टनर है ही नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है और दोस्तों पूरी तरह से बेकार है। इसलिए शुरू से कह रहे हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना नशा होंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर का आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बार आपके जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद आवश्यक है। वेदों को आपको पूरा अंत तक देखना है और आपको शर्म जानकारी विस्तार होने दी जाएगी। और इसी के साथ साथ 200 वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि दोस्तों इन दिनों ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको जीवन काल में कौन से फैसले लेने हैं और कौन से फैसले को टाल देना चाहिए जिस से के जीवन काल में बड़ी हानि होने से बच जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी, अभी थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, यूं के दोस्तों थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि आपके जीवन में अभी परेशानियां चल रही हैं, तो आपको हर एक फैसला बड़ा सोच समझ कर ही लेना है, ग्रह स्थितियों के आधार पर है, ताकि आप किसी गलत राह पर न चले जाएं और दोस्तों जीवन काल में कुछ बड़ा नुकसान न करा ले। साथ ही दो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार कर्म प्रधान है, यानी जो इंसान यहाँ पर मेहनत करते हैं उसे जीवन काल में फल अवश्य प्राप्त होता है। ले इसका मतलब यह नहीं कि केवल मेहनत करने से ही जीवन काल में सफलता प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सफलता व दोस्तों हमें परिणाम कैसे मिलना है यह तो ईश्वर तय करते हैं। तो दोस्तों इस संसार में हमें गर्व करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए इस कमी को करना है, जीवन काल में सबका कम करने हैं, और न ही किसी भी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को गलत राहों को पकड़ने हैं, तभी तो जीवन काल में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि फल देने की शक्ति ईश्वर ने अपने हाथों में रखी है। तो जब भी हमें जीवन काल में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं तो यह निर्भर करता है कि हम जीवन काल में किस प्रकार के कम करते हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार से होता है, यानी कि किसी को हानि होती या नहीं होती है। और यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है, हमारे कर्मों का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कृष्ण जी के सुंदर विशाल को आप अपने दिलो दिमाग पर बैठाकर जरिए और जीवन काल में दोस्तों शर्त कम करते रहिए, सफलता आपको एक न एक दिन सरोद मिलेगी। इसी के साथ साथ 200 आपको सच्चा प्यार मिलेगा, जो दोस्तों आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर ही रद्दी का। सिर्फ दोस्तों आपको ईश्वर पर विश्वास करना है, ऐसे फालतू लोगों पर नहीं है। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण कन्हैया के यह लिखना बिल्कुल भी न भूलें।
200 अभी आपके जीवन काल में बहुत ही परेशानियां चल रही है और इन परेशानियों से दोस्तों आप उबर नहीं पा रहे हैं। जीवन काल में कड़ी मेहनत कर रहे पर सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पर दोस्तों इस परेशानियों का जीवन काल में किसी को दिखाने नहीं रहे हैं। कठिनाइयों से भरा चल रहा है जीवन आपका और आपके जीवन में इन दिनों बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं और जीवन काल में दोस्तों आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं तो उस प्रकार के सफलता अभी तक आपको मिल नहीं पाई है। हालांकि अच्छे कर्म करने में आप किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं। अब जीवन काल में बहुत ही सादा मेहनत करते हैं, ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं और शख्स कम करने के लिए बहुत बुद्धि का उपयोग भी करते हैं। इसके बाद भी जीवन काल में आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपने आपके पूरे ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं। इन दिनों दोस्तों ग्रह सितारों के आधार पर आपके जीवन में इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो दोस्तों इस समय आपको अधिक मेहनत आने पर और कर्म फल देने में जोर डाल रहे हैं। इस समय दोस्तों गुरु आपका बलवान नहीं है, पर दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ईश्वर के दोस्तों इस दिए गए रास्ते पर आपको चलना है। ईश्वर के सारे परीक्षा में दोस्तों आपको पास होना है, तभी आप इन कठिनाइयों को जीत पाकर आगे बढ़ पाएंगे। यदि दोस्तों इस राशि के जातक जातिका इन बातों को मजाक लेकर चलेंगे तो उन्हें जीवन काल में हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कार्य को दोस्तों थोड़ा सोच समझकर ही संवाद करें और अपने करियर से जुड़े हुए फैसले को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से ले। इन बातों को दोस्तों जरा ध्यान से समझेगा और अपने जीवन में पूरी तरह से सरोवर उतारिए। का साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में इस महीने दोस्तों एक ऐसे इंसान दस्तक देने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देंगे। यू कहे दोस्तों आपसे बेहद प्रेम करते हैं, जातिका के जीवन में सार्थक दस्तक देंगे और जातक के जीवन में जाति का दर्शन देंगे, क्योंकि दोस्तों आपका प्रेम में का नहीं है, है पिछले कई जन्मों से उस इंसान से आपका का नाता रहा है। तो दोस्तों जब यह इंसान आपके जीवन में दस्तक देंगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें पूरी तरह से पहचान में उनके बारे में दोस्तों आप अच्छी तरह से छान लें और उन्हें दोस्तों आप अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल कर लें। और शांति दोस्तों यह कहा जाता है कि जीवन काल तब तक अधूरा रहता है जब तक दोस्तों जीवन काल में सच्चा लव पार्टनर दस्तक न दी जाए। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में जो प्यार दस्तक देने वाला है उसका दोस्तों अब सम्मान करिए। का इस प्यार को दोस्तों आप यूं ही मजाक में लेकर न छह ले। किस्मत वाले को दोस्तों सच्चा प्यार मिलता है, यूं कहें दोस्तों सच्चा हमसफर मिलता है आपके जीवन में दोस्तों या दस्तक देने वाले हैं। तो यूं ही दोस्तों इसी जाने न दे, अपने जीवन में दोस्तों इनका सम्मान करिए। ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसे सुनहरे अवसर आपको जीवन काल में मिल रहे हैं। इन अवसर को दोस्तों आप लपक कर पकड़ ली थी और इन अवसरों पर दिल तो किसी का आंच न आने दे, यूं कहे किसी की बुरी नजर न पड़ने दे, फिर दोस्तों आपका जीवन शानदार हो जाएगा और 33 कोटि देवी देवताओं कोडोट का आशीर्वाद आपको जीवन काल में मिलता है। का ईश्वर के आशीर्वाद से दोस्तों आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। इन बातों को दोस्तों गार्ड के सरूर रखे का और अपने गुप्त जानकारी कार्य दोस्तों के से अन्य व्यक्ति से नाबाद थे, यूं कहे दोस्तों आप जोश में आकर के होश खो बैठे, अपनी बातें दोस्तों गुप्त रखी और अपने पार्टनर पर किसी भी प्रकार से आंच न आने दे, क्योंकि दोस्तों यह सच्चा प्यार आपका है। इसमें दोस्तों नजर लगे कि इसका दोस्तों खास ख्याल जरूर रखें। इससे के साथ दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों दोस्तों आपका व्यापार शर्माने चल रहा हाँ है। आपको 100 काम धंधे को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। इस समय 200 आप अपने व्यापार को बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं और जीवन काल में कड़ी मेहनत कर सकते हैं। यदि आप जीवन काल में कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपके जीवन में अवश्य बड़ा सुधार आएगा। आपको अत्यधिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद लें।
यह कुछ निजी और गुप्त बातचीत करने का समय है। वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन अधिक जोखिम सी बच्ची बोलने से पहले सोच से कहीं किसी करे भी को निराश ना करते। आयशा अपने शहर को एकत्रित करके महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में काम मायने रखते हैं और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावनाएं हैं। आप उन सभी अवसरों का लाभ उठाया जो आज आपके रास्ते में आए हैं। साथ ही के दिन आप प्रवाह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ग्रहों के विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीजों के बारे में परवाह नहीं रहेगी। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आपकी पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप आज एक गैर कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी के सस्ती और लापरवाही के कारण का काम करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। साथ ही दोस्तों, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसे से सीखना है। भूतकाल से लिए हुए सीख की अपेक्षा न करें, ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सके। जरूरतमंद चाहे बच्चे हो या है, उनकी मदद करें। ऐसा करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे। चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो, आप अपने किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसले लेने का दिन है। आपने अस्वीकार का जो सुरक्षा का ओढ़ा हुआ है, वह आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। या आपकी सेहत की बेहतरीन के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूर कदम उठा पाएंगे। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने को काफी उत्साहित है, लेकिन गलती से या बस एक सामान्य और रूटीन मुलाकात बनकर रह जाए कि यहाँ तक कि आपके पसंद मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। फिर भी आपके पार्टनर आपकी देखभाल और अपने लिए आपकी फिक्रे से प्रभावित होंगे। आपको भी इससे संतुष्टि मिले कि ऑन स्क्रीन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। आपके उन्हें बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी, क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपने पुराने प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्य को पूरा कर लिया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये बताना चाहूंगी कि 200 आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश का आपको अचानक के लगने लगेगा कि जीवन में परिवार तथा करियर में संतुलन बनाना काफी आसान हो गया है। आपके शौर्य हिचकिचाहट दूर हो जाएगी और आपके सब कामों में नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। अब घर या कार्यस्थल पर किसी करीबी के असमंजस की भावना को भी दूर कर पाएंगे। अगर आप अपने खानपान संबंधी दैनिक आदतों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत अच्छा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। दूसरी तरफ जंक फूड से न केवल आपका शरीर प्रभावित होगा, बल्कि आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस के कारण आप अपने फिर शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़े से अधिक स्वस्थ जीवन शैली से फिर शरीर के इस खुशी को लंबे समय तक बना सकेंगे। जीवन के अन्य पहलुओं से भारी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्तों को अलग अलग रखेंगे, तो काफी हद तक इस तूफान का आपस आने से सामना कर लेंगे। आपका साथी आज काफी हद तक एक शायद की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस सत्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आप को काफी लंबा समय लग जाएगा। आज आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप यह भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यक्रम में कार्यालय में कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, इसलिए आपको इस वीडियो के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं, तो आपको अपने करियर के संदर्भ में कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप फ्रेश महसूस इन दिनों करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। हालांकि आपको यह वास्तव भय रहेगा कि दूसरी क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। आप
आपको यह समझना है कि सही नजरिए से आधा काम तो बिना किए ही हो जाता है। यद्यपि सृजनात्मक और ऊर्जा फोन रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास और साहस नहीं देखा, आप एक ही साथ कई चीजों के बारे में चिंतित हैं। लेकिन इससे आपका तनाव भी और बढ़ सकता है। धरती पर पैर चलने की कोशिश करें। इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को ही ताश की मिली कि आपकी आँखों में दर्द की समस्या इन दिनों हो सकती है, इसलिए आँखों को अच्छी प्रकार धोएं और ज्यादातर समय सोने की कोशिश करें। माहौल मस्ती का है, आपकी मुलाकात काफी आकर्षित लोगों से हो सकती है इन दिनों। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं या आदमी आपका काफी करीब बन सकते हैं इन दिनों, क्योंकि दोस्तों इन दिनों कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको दोस्तों इन दिनों सच्चा प्यार मिलेगा। अभी के लिए अपने काम संबंधित सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक पल का आनंद ले। आपको कई नई बातें भी पता चलेगी। इन दिनों आज्ञाकारी होना अच्छा, लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके वे शायद सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचें। आप अपने वेब में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे ताकि सकारात्मक वित्तीय दबाव आए, इसलिए आगे बढ़े और योजना को अंजाम दे। इन सभी बातों को दो, आप अपने जीवन में सरोद उतारिए का। आप 200 अपनी जिंदगी को यूं ही न समझकर चुनें। आप अपने आप को दोस्तों महत्वपूर्ण इंसान उलझकर चलिए, तभी 200 जीवन में कुछ कर पाएंगे। यूं कहे दोस्तों, तभी आप जीवन को खुश करके दिखा पाएंगे। तभी तो लोग कहेंगे वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसे तो 200 अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को पनपने दे और 200 नकारात्मक शक्तियों को दोस्तों दूर करें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और पर सेलेक्ट करिएगा। एक ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो को समय से मिल सके और इसका लाभ उठा सके। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो आपके उस धन को वापस आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए इस दिन आप उधार न दें। आप अपने लिए कुछ नए कपड़े और लैपटॉप आदि की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने किसी का शाम को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह आज दूर होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी और दीर्घकालिक योजनाओं में आप आगे रहेंगे। संतान की किसी गलती से आज पर्दा उठ सकता है जिसके कारण आप उनसे नाराज रहेंगे। आपको अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालना होगा, और यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे भी पूरा अवश्य करें। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था बढ़ेगी और दीर्घकालिक योजनाओं में आप आगे रहेंगे। संतान की किसी गलती से आज पर्दा उठ सकता है जिसके कारण आप उनसे नाराज रहेंगे। आपको अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालना होगा, और यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे भी पूरा अवश्य करें। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को कल्पना ताले नहीं तो वह बाद में कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। कामकाज के मामले में आप उतावलापन ना दिखाएं, आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। जल्दबाजी में आपको किसी काम को करने से बचना होगा। किसी कानूनी मामले में आप अपने पिताजी से मदद लेकर आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आने वाला है। आप अपने जरूरी कामों की सूची बनाकर चलें और उन्हें पहले पूरा करने की कोशिश करें।
श्रेष्ठ जनों से आपकी मुलाकात होगी। पार्टनरशिप में चल रहे व्यवसाय में आपको कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। व्यवसाय की योजनाओं पर आप पूरा फोकस बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको कुछ ठगी और सफेदपोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने कामों को करते रहें और अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़े, तभी आपके सभी काम पूरे होंगे। आपके कुछ विरोधी आज पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। किसी जोखिम भरे काम को न करें, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप बुद्धि और विवेक से यदि कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आप कल्पना ताले, मित्रों का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिले का आपके कुछ पुराने राज परिवार के सदस्यों के सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यदि आपका कोई मामला कानून में लंबे समय से लंबित था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज बहुत बड़ा उलटफेर होगा। पूरा परिवार एक साथ नाचने का समय आ गया है। जी हाँ, क्योंकि भगवान ने दे दिया है आदेश, अब आपका पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। सितारे कहते हैं कि शांति का माहौल बना रहेगा। आज आपके जीवन में चमत्कारिक घटना होगी और यह घटना के लिए बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अब आपके में अच्छा समय आने वाला है और आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आज आपको मित्रों का सहयोग रहेगा। दीर्घकालीन योजनाएं आगे बढ़ेंगी और कला कौशल में सुधार आएगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके कामों में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आप धैर्य बनाकर आगे बढ़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज आपकी किस्मत के सितारे कहते हैं कि आज आप बिना सोचे समझे कोई भी कार्य न करें। वैसे तो समय बहुत अच्छा है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। आज कोई बड़ी घटना होने की आशंका नहीं है, है छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। आपने किसी काम को अनदेखा न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में किसी समझौते पर हस्ताक्षर न करें, नहीं तो आप किसी गलत जगह दस्तक कर सकते हैं। जब तक आप उसके बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आज आप किसी भी चीज में दस्तखत या हस्ताक्षर न करें। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे पूरा करना मुश्किल होगा। आज आपने आवश्यक कार्य में सावधान रहना होगा और आप अपनी ऊर्जा, आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप सही समय पर सही से डिसीजन लेंगे, सही से कार्य करेंगे तो, क्योंकि आज का दिन बदलाव के नाम रहेगा। स्थायित्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको अपने किसी बड़े लक्ष्य को सौंपा रहते पूरा करना होगा। आपको साझेदारी में किसी काम को करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आज आप अपनी संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपके आस पड़ोस के अगल बगल के विरोधी है वह आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। जी हाँ, आप आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण अपने कामों को पूरी में मेहनत करेंगे। आप अपने डेली रूटीन में निरंतरता बनाए रखें।
करीबियों पर आपका पूरा भरोसा रहेगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और उसे जानकारी के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। देन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। मित्रों का सहयोग आप पर बना रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं, नहीं तो समस्या होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर समस्या हो सकती है, इसलिए आप उन्हें समय रहते निपटाने की कोशिश करें और किसी से धन उधार ना लें तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है, यानी कि आज के दिन नौकरी में चाह रखने वाले लोगों को नौकरी मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी निर्णय को लेने से बचने के लिए रहेगा और आप आवेश में आकर कोई ऐसी बात न बोले जिसे पूरा करने में बाद में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। आज आप इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, यदि ऐसा हो तो आप उसमें शांत रहें। आपको कुछ बातों को गोपनीय रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिल सकता है जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। संतान से आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आज आपने आवश्यक कार्य में सावधान रहना होगा और आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं। सभी के साथ सम्मान बनाए रखें। आप सबको साथ लेकर चलेंगे। परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने बिजनेस की कुछ योजनाओं को लेकर यदि कुछ प्लानिंग करेंगे तो वह अच्छा रहेगा। आज का दिन जीवन स्तर में सुधार लेकर आएगा। आप अपने कामों में निसंकोच होकर आगे बढ़े। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है और माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी काम कोडोट लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। सगे संबंधियों का आपके ऊपर पूरा सहयोग रहेगा। समन्वय की भावना आपके मन में बनी रहेगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके साथ सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी, तभी आप कोई काम कर सकेंगे। आप अपनी आय में भी आय संतुलन बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस राशि के जातकों को बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव दोनों रहेंगे। कभी लाभ होंगे तो कभी हानि का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन में आज आपको तालमेल बनाए रखना होगा, नहीं तो जीवन साथी आपसे नाराज रहेंगे। सितारे कहते हैं आज छोटी मोटी बातों को भी पकड़ कर चलना होगा। जी हाँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज ही हमें ज्यादा तकलीफ देती है और यह बात आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है। हाथी ने आज तक किसी को भी नहीं करता होगा, लेकिन मच्छर हर रोज हर किसी को काट लेता है। यह कहानी हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हमें अपने जीवन में छोटी मोटी चीजों को भी महत्व देना चाहिए। जैसा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, अगर घड़े में एक भी छिद्र हो तो घड़ा कभी नहीं भरेगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समाज में कुछ अन्य बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आप अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें, नहीं तो समस्या हो आती है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ के ही कुछ लोग आपके प्रति आपके पीठ पीछे कुछ गलत अफवाहें फैला सकते हैं। आज का दिन आपके घर परिवार में खुशियाँ लेकर आएगा। घर में की गई पहल रंग लाएंगी और आपको मान सम्मान मिलेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका बाबा ही होगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी पूरी रुचि दिखाएंगे। आपको बचत पर पूरा ध्यान देना होगा।
परिवार में लोगों की अपेक्षा पर खरे उतरेंगे और उनसे प्रेम मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को भी अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। आप समाज में लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कला कौशल को पूरा बल मिलेगा और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्य रथ हैं, उनके लिए आज का दिन सोने पर सुहागा रहने वाला है। जी हां, आज का दिन परोपकार के कार्य में व्यतीत करेंगे। आप धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में आप सकारात्मकता बनाए रखें, नहीं तो कुछ रिश्तों में दरार पैदा हो सके थी है। जी हां, आप परिवार के सदस्यों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, नहीं तो कोई समस्या आपको घेर सकती है। आपको किसी अजनबी से लेनदेन करने से बचना होगा और यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन आप संतान के करियर को लेकर जल्दबाजी में आप कोई निर्णय न लें, नहीं तो इससे आपको नुकसान होगा। भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रखें। किसी बात को लेकर यदि आपको क्रोध आया तो भी आप न दिखाएं, नहीं तो इससे आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।